अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं अबीनश काजमी, आपकी होस्ट ऐवान इरशाद के एक नए एपिसोड में आपका खैर मकदम करती हूँ। ऐवान इरशाद में, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा फॉर्मेट रहता है कि हम शख्सियतों को यहाँ पे अपने साथ जोड़े, उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में जाने और आहिस्ता आहिस्ता पता करें कि वो इस मुकाम पे कैसे पहुंचे, क्या सीखा अपनी जिंदगी से, अपनी स्ट्रगल से, और हम लोग भी कुछ हासिल कर सकें अपनी जिंदगी चलाने के लिए, कुछ आइडियाज, कुछ मोटिवेशन, कुछ इंस्पिरेशन। आज के जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में काफी नामवर हैं, ऑल इंडिया रेडियो में काम करते हैं, काफी मशहूर और मारूफ ब्रॉडकास्टर, प्रोड्यूसर और एडिटर हैं एक बहुत ही खास और मशहूर प्रोग्राम शहरबीन के। मैं अपने साथ स्क्रीन पे दावत देना चाहूंगी मकसूद अहमद साहब। शुक्रिया विनेश। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक? कैसे हैं आप? ठीक जी, बिल्कुल ठीक। आप आज आज काफी फेमस है शहरबीन के हवाले से, लोग जानते हैं आपके काम को, पहचानते हैं, एडिटिंग, प्रोड्यूसिंग, ब्रॉडकास्टिंग। पर हम शुरू से शुरू करना चाहेंगे। आप गालिबन बारामूला में पैदा हुए और आजकल आप उड़ी से आपका कनेक्शन है, तो हम जानना चाहेंगे आपकी शुरुआत के दौर से कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की और ब्रॉडकास्टिंग की तरफ आने का या मल्टीमीडिया या मीडिया की तरफ आने का जो एक रुझान था, ये कैसे हुआ? बेनिश, आपका शुक्रिया, आपके इस चैनल आरएनएन का शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में आज शामिल किया। बिनेश, मैं क्या बताऊँ, मैं एक दूर दराज इलाके से रहने वाला हूँ। LOC के करीब गांव है, गरकोट है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी तालीम अपने गांव में हुई है। मैं फर्स्ट प्राइमरी से मिडिल तक अपने गांव में तालीम हासिल किया है। मेरे स्कूल का नाम हाई स्कूल कांडी कलर है। तो मैं गरकोट का रहने वाला हूँ और वहीं से तालीम शुरू की और उसके बाद हायर सेकेंडरी लेवल पे उड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल में तालीम हासिल की और फिर मैंने कॉलेज का सफ़र जो है वो बारामूला तक पहुँचा। मैं बुनियादी, मैं जो ही मैं कॉलेज लेवल पे आ गया तो मुझे एक्टिविज्म का बड़ा शौक था। तो मैं चाहता था कि मैं सोशल काम करूं, क्योंकि फार फ्लंग एरिया का रहने वाला था, लोगों की वहाँ मसाइल थे, प्रॉब्लम्स थी, तो मैं चाहता था कि मैं इनकी कुछ मदद कर पाऊँ। तो एक्टिविज्म के दौरान ही मुझे सहाफत के साथ लगाव हो गया। बेसिकली मैं कॉलेज में था तो कॉलेज मैगजीन वर्मुल, हम डिग्री कॉलेज बारामूला से एक मैगजीन शाया होती थी वर्मुल, तो 1987 में मैंने पहले उस कॉलेज मैगजीन का एडिटर बना, मैं उर्दू सेक्शन का। तो फिर मैंने डिग्री हासिल की और डिग्री हासिल करने के बाद बेसिकली एक मैं वही कहूँगा कि गरीबी की सतह से नीचे एक फैमिली से ताल्लुक रखता था। तो मेरे घर वाले यही चाहते थे कि 10वीं 12वीं पास करके कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो वो काफ़ी है। तो लेकिन ये ऊपर वाले का, अल्लाह का करना होता है कि मर्जी उसकी होती है बेसिकली। तो मैं बेसिक जो ही मैंने डिग्री हासिल की कॉलेज से तो मैं सोशियोलॉजी में डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता था, क्योंकि तब सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो था वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में पहली बार आया था। तो मैंने सोचा कि सोशियोलॉजी में डिग्री करूं दस्ती, क्योंकि नया सब्जेक्ट है तो पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही मुझे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा करना था कि जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा तो एक कोलीग ने कहा, वो भी मेरे इलाके से था, उसे कहा आप एडमिशन लेना चाहते हो? मैंने कहा कहा किस में? मैंने कहा सोशियोलॉजी में। उसने कहा सोशियोलॉजी में मैं लेना चाहता हूँ, अगर हम दोनों एक ही में भरेंगे एक ही का एडमिशन होगा, आप आपका इंटरेस्ट है मास कम्युनिकेशन, आप मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में जाइए। मुझे याद है उसने मुझे एक बुक भी दी एंट्रेंस के लिए। तो एनी हो, फिर मैं मास कम्युनिकेशन करके मास कम्युनिकेशन में एडमिशन हुआ
और फिर मैंने डिग्री हासिल की, फिर प्रिंट मीडिया के साथ काफ़ी अरसे काम करता रहा, बहुत सफ़र किया प्रिंट मीडिया में। एनी हो, फिर ऑल इंडिया रेडियो में मैंने ज्वाइन किया। जी, तो इसका जी, मतलब है कि तो आप इसका अपने मतलब है कि दोस्त आप के अपने लिए जो है दोस्त के आपने लिए ये जो है सिलेक्ट आपने किया, ये सिलेक्ट सीन किया चेंज सीन किया चेंज किया और अपना और हार्ट पर्सन जी किया। जी किया यस 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 वी आर बेसिकली मेरा दोस्त जो था वो सोशियोलॉजी में बड़ा इंटरेस्टेड था। वो आज प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी में, आज प्रोफेसर हैं अमर सिंह कॉलेज में, वो प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप मास कम्युनिकेशन कीजिए, आपका इंटरेस्ट मास कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं तब न्यूज़पेपर के साथ लिखता था। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे अशरफ शाबान वकील साहब को, वो अलसफा के एडिटर थे। तो मुझे उनके साथ तब रब्ता हो चुका था, मैं उनके अखबार अलसफा को लिखता था, मैं उड़ी से उनके लिए रिपोर्टिंग करता था। जी तो जी इसीलिए दोस्त ने कहा कि आप सोशियोलॉजी के बजाय मास कम्युनिकेशन की तरफ जाएं। जी आपने अपनी आपने अपनी ग्रेजुएशन मास ग्रेजुएशन कम्युनिकेशन मास जो कंप्लीट किया कम्युनिकेशन जो कंप्लीट वो किया शायद 92 वो में शायद हुआ, 92 में और हुआ, अर्ली यस, 95 में अर्ली आपका 95 ऑल में इंडिया आपका रेडियो का ऑल इंडिया सिलेक्शन रेडियो हुआ। का सिलेक्शन हुआ, तो ये तो बहुत ये आसान बहुत सफर था आसान या कुछ सफर स्ट्रगल था या करना कुछ पड़ा कि स्ट्रगल करना बस पड़ा कि वो वाले ने बस झोली में वो डाल वाले ने दिया, झोली पहला में डाल इंटरव्यू दिया, और पहला क्लियर? इंटरव्यू और क्लियर? हाउ डिड नहीं इट हैपन? नहीं हाउ डिड ये इट हैपन? मैं तो ये कहूंगा कि मीडिया का सफर जो है ये बड़ा टफ होता है, इसमें इंसान को बर्दाश्त होनी चाहिए। अगर यू हैव टू अचीव समथिंग इन मीडिया, आपको सफर करना है, आपको बर्दाश्त करना है। इसमें आपको अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आप ये कहेंगे कि मैं मास कम्युनिकेशन करूंगा, मैं डिग्री करूंगा तो फौरन मैं किसी बड़े अखबार में एडजस्ट हो जाऊंगा, बड़ी चैनल में एडजस्ट हो जाऊंगा। नहीं, मैंने जब डिग्री की उसके बाद मैं रोजनामा उकाब के साथ काम करता रहा, क्योंकि मुझे उर्दू जर्नलिज्म के साथ इंटरेस्ट था। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं रात 11-12 बजे तक अखबार में काम करता था, और तब सैलरी क्या मिलती थी, 500 रुपया 700 रुपया, और पूरी 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 रात अखबार में बैठता था मैं, जब तक अखबार रात के 1 बजे प्रेस में जाता था तब तक मैं वहां बैठा रहता था। तो इसमें मीडिया में जो मेरा तजुर्बा है, इसमें इंसान को बर्दाश्त होना चाहिए। इसमें इफ यू विल कंटिन्यू योर स्ट्रगल और अपना सब्र के साथ काम करेंगे तो जरूर आप अचीव करेंगे। मैंने 2-3 साल प्रिंट मीडिया में रहा, कभी कश्मीर टाइम्स में गया, कभी अलसफा में गया, कभी उकाब में गया, तो फिर लास्ट ऑल इंडिया रेडियो से एक एडवर्टीजमेंट आ गई, तो मैंने फॉर्म भरा एडवर्टीजमेंट के लिए। फिर मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया, और रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद दिल्ली जाना पड़ा। तो जी आप यकीन नहीं जी करेंगे, जब मैं दिल्ली गया इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पे पूरी ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स थे, और वहाँ पे वाइवा हमारा था। तो मुझे ऐसा, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ऐसा लग रहा कि जब मैंने वहाँ कैंडिडेट्स देखे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सिलेक्ट नहीं हो जाऊँगा, क्योंकि क्यों क्यों? वो इसलिए कि जब मैं क्योंकि जब मैं वहाँ उनकी पर्सनालिटी देखता था, लोग सूट पहन के आए हुए थे, टाई लगा के आए थे, उनकी एक पूरी तैयारी थी कि कैसे पर्सनालिटी इंटरेस्ट में इंटरव्यू के लिए अपेयर होते हैं। तो लेकिन मुझे वो गाइडेंस नहीं थी, मुझे वो गाइडेंस थी। लेकिन जब मैं वहाँ कमेटी के सामने बैठा तो उन्होंने मुझसे काफ़ी सवाल किए, लेकिन मुझे ये लगा कि जो मैंने प्रिंट मीडिया में काम किया था, प्रिंट मीडिया में जो मैंने काम किया था वो मुझे वहाँ पे काम आया। और उन्होंने मेरी बाईलाइंस जब देखी, उन्होंने जब मेरी स्टोरीज वहाँ पे देखी, तो वो बहुत मुतासर हुए। तब कश्मीर के हालात भी बहुत ख़राब थे, तो उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में आप एक इतने दूर इलाके से आके श्रीनगर में आप अखबारों के साथ काम कर रहे हो और इस तरह मेहनत कर रहे हो, तो एनी हो फिर चंद माह के बाद मुझे सिलेक्शन लेटर मिल गया। राइट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
ये सवाल आप ही ने जो आप ही कहा ने कि जो उस कहा टाइम कि कश्मीर उस के टाइम हालात कश्मीर के कैसे हालात थे, कैसे थे, और आप और आप रिटर्न रिटर्न मीडिया मीडिया पर जर्नलिज्म जर्नलिज्म कर कर रहे रहे थे, थे, और और आप आप ऑल इंडिया ऑल इंडिया रेडियो के रेडियो इंटरव्यू के के लिए इंटरव्यू जाते के लिए हैं, जाते तो कितना फर्क हैं, रहता फर्क है अगर हम रहता लोग है आज अगर की हम लोग ब्रॉडकास्ट आज की की ब्रॉडकास्ट बात की करते हैं, बात करते हैं, लिखे में लिखे किसी में को नहीं पता किसी जब को तक नहीं आपका पता जब कलम तक पे आपका नाम ना कलम हो पे नाम कि ना हो कि कौन लिख रहा है कौन बाकिन लिख रहा पे। है बाकिन पे। वॉइस ओवर वॉइस ओवर ब्रॉडकास्टिंग एडिटिंग ब्रॉडकास्टिंग में एक एडिटिंग डिफरेंस में एक आता है, डिफरेंस आता और है, आज जैसे और सोशल आज जैसे मीडिया चल सोशल रही है तो मीडिया चेहरा चल रही है है तो आपका, चेहरा है आवाज आपका, बाद में आवाज आती है। बाद तो में आती है। ये मीडिया का तो जो ये दौर मीडिया का चेंज जो हो दौर रहा है चेंज हो इसके रहा बारे है में आपका इसके क्या बारे में ख्याल है? आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मीडिया का दौर, ये यानी डिजिटल मीडिया आ चुका है, चैनल्स आ गई हैं, तो ये दौर, ये चेंज आ गई हैं। लेकिन बेसिकली अगर किसी को, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म में जाना हो, चाहे डिजिटल मीडिया जर्नलिज्म में जाना हो, प्रिंट मीडिया बेसिक चीज़ है। मुझे जो तजुर्बा हुआ कि प्रिंट मीडिया में काम करना, ये चाहे आप टीवी जर्नलिज्म में जाएं, फोटोग्राफी जर्नलिज्म में जाएं, एडवर्टाइजिंग जर्नलिज्म में जाएं, प्रिंट मीडिया बेसिक थिंग है। और अगर आप पहले चंद साल प्रिंट मीडिया में दें तो आपको फिर ये डिफरेंस नहीं लगेगी कि मीडिया जो है चेंज हो चुका है, अब डिजिटल मीडिया है, अब टीवी चैनल्स हैं। तो उससे फिर आपकी लाइफ पे, आपके काम काज पे बहुत कम असर पड़ेगा। तो इसलिए आज मीडिया का जो है, यानी जो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है, अब तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी ख़त्म हो गया, अब लोग उससे भी तंग आ चुके हैं। आप तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, एक्सक्लूसिव होना चाहिए, अब तो लोग वो देखना नहीं चाहते हैं। वो तो मैं ब्रेकिंग वही न्यूज भी कहूंगा सुबह कि से लेके नहीं, रात तक ब्रेकिंग ही हो रही होती है, हो रही होती है। नहीं, पहले के दौर में अब अखबार आ रहा अखबार है, आ सुबह रहा है, सुबह रोज सुबह उठ के रोज लोग सुबह जो उठ थे के वो लोग जो नाश्ते थे से वो पहले उठ नाश्ते के से अखबार पहले खोल उठ के के अखबार पढ़ते खोल थे, के पढ़ते थे, ऑल इंडिया रेडियो ऑल का इंडिया भी एक रेडियो दौर का भी रहा एक थी, दौर रहा थी, न्यूज़, गानों के गानों के प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स और और क्रिकेट कमेंट्री के क्रिकेट लिए लोग बहुत कमेंट्री के लिए लोग एक्साइटेड बहुत रहते थे। एक्साइटेड जब रहते थे, जब ये ये शहरबीन का दौर शहरबीन आया, का दौर आया, माशाल्लाह से आप 20 साल माशाल्लाह से से चला 20 साल रहे से हैं, चला रहे हैं, तो आपको क्या तो लगा आपको क्या ट्रेंड लगा ब्रेक ट्रेंड हुआ? ब्रेक हुआ? लोगों ने शहरबीन लोगों ने को सुनना शहरबीन को पसंद सुनना किया, पसंद करंट किया, अफेयर्स के बारे करंट में अफेयर्स था, के बारे में था, मगर फिर मगर भी एक फिर लीक भी से एक हटके लीक था, से सो वो हटके था, एक्सपीरियंस सो वो वो आइडिया एक्सपीरियंस वो वो सब कुछ आइडिया वो कैसे सब कुछ हुआ? कैसे हुआ? नहीं, बेसिकली बेसिकली शारबीन जो है, ये इसकी जो फाउंडर है वो नीमा अहमद माजूर हैं। वो बीबीसी से आई थी, बेसिकली शी वाज एम्प्लॉई ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। तो वो बीबीसी से वहाँ से रिटर्न आई थी, तो उनने वापस अपना जॉब ज्वाइन किया था ऑल इंडिया रेडियो में। तो उनसे जब मुझे याद है, मरहूम अशरफ साहिल साहब थे, वो ग्रेस से थे, वो एक फेमस ब्रॉडकास्टर थे, एक ही वॉज ए नाइस एडमिनिस्ट्रेटर, और मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने, हम उस वक्त यंग थे तो उनने हमको इनक्रेज किया। तो उन्होंने नीमा माजूर से पूछा कि आप बीबीसी से आई हैं तो आप अब ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर में हैं तो आप क्या करेंगी? तो ये आइडिया उनका था, उनने कहा मैं एक प्रोग्राम करूंगी इस तरह पे। तो उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो लेकिन उन्होंने कुछ एक साल तक ही उनने यहाँ का काम किया, लेकिन वो अक्सर मुझे कहती थी मकसूद, मुझे लगता है कि मेरे बाद इसको आपको ही चलाना पड़ेगा। तो लेकिन फिर इस शायरबीन में बहुत हमारे साथी आ गए, जावेद सोफी साहब आ गए, तोला जहांगीर आ गए, सैयद बुशारत बकारी साहब जो आज आप पॉलिटिशियन हैं, वो हमारे साथ जी रहे, जी डॉक्टर सतीश विमल जी हैं, वो हमारे साथ रहे। ऐसे अभी मेरी टीम में अशफाक लोन हैं, अभी मोहम्मद हुसैन जफर हैं। तो इस तरह फिर कारवां बढ़ता गया, चलता लोग आते चलता गए, चलते रहे ऐसे। तो लेकिन बेसिकली ये नीमा माजूर का, उसका आइडिया था, तो जी जी ये उनका आइडिया था। तो बेसिकली इसमें यही रहा कि ये एक प्रोग्राम जो था, ये एक ब्रिज के तौर काम करता रहा आवाम और सरकार के दरमियान। अभी भी हम उसी कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ब्रिज के तौर काम करें सरकार और आवाम के दरमियान, ताकि जी जी लोगों के मसाइल जो हैं हम उस तरीके से हल कर रहे हैं। ज़्यादा हम इसमें पब्लिक ग्रीवेंसेस कर रहे हैं, और उसमें
थोड़ा बैलेंस करते हैं कि अभी किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है, पब्लिक की अब व्यू भी लेते हैं, सरकार का व्यू भी लेते हैं, तो उससे थोड़ा लोगों को ये लगता है कि कोई हमारी बात कर रहा है और कहीं किसी ऐवान में हमारी बात पहुंचती है और वो कई मसले उनके हल भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट आपने जैसे कॉन्सेप्ट आपने बताया जैसे बेगम बताया नईमा बेगम महमूद नईमा साहिबा महमूद का था, साहिबा मगर का था, पिछले बीस मगर साल पिछले से 20 आप साल बहुत से अच्छे आप से बहुत चला रहे अच्छे से हैं, चला रहे आपने हैं, अपने आपने अपने बहुत सारे बहुत टीममेट्स का सारे नाम टीममेट्स लिया का था, नाम आज लिया अलग था, अलग आज फील्ड अलग अलग में भी फील्ड अपना में नाम भी बना अपना चुके नाम हैं, बना सतीश चुके हैं, उमल सतीश जी, उमल बुखारी जी, साहब, बुखारी साहब, तलहा जावेद तलहा साहब, जावेद और भी साहब, आपने और जावेद भी साहब आपने की बात जावेद साहब की, की बात की, इन सब लोगों इन के सब साथ जब लोगों आप के काम साथ जब आप करते काम हैं, करते और हैं, अगर और अगर आज कोई आज नया कोई बच्चा, नया कोई बच्चा नया कोई नौजवान नया शहर नौजवान भी इनके साथ शहर भी इनके साथ एसोसिएट होना एसोसिएट चाहे, होना चाहे, क्योंकि आप क्योंकि आप ब्रॉडकास्टर भी हैं, ब्रॉडकास्टर प्रोड्यूसर भी हैं, भी हैं, और प्रोड्यूसर आपका भी हैं, ट्रेनिंग और आपका प्रोग्राम्स ट्रेनिंग को भी आपका प्रोग्राम्स को भी आइडियोलॉजी आपका रहा है कि आइडियोलॉजी मैं रहा है कि सिखाऊं, मैं सिखाऊं, तो आप तो उनके साथ कैसे, उनके साथ उनको क्या कैसे, उनको मैसेज क्या देते हैं, मैसेज कैसे डील देते हैं, करते कैसे हैं डील करते नौजवानों हैं के साथ? नौजवानों के साथ? नहीं, हम अभी भी यारे जो हमारे पास नए बडिंग जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो मास कम्युनिकेशन आपका हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी से आते हैं या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से आते हैं, तो अभी भी हमारी कोशिश रहती है कि हम इनक्रेज करें। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आज जो भी बच्चा आ रहा है वो इंग्लिश जर्नलिज्म की तरफ जा रहा है, उर्दू जर्नलिज्म की तरफ बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, तो वो एक लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी हमने कुछ बच्चे जो हैं, कुछ लड़के जो हैं, जो इंग्लिश में, कश्मीर टाइम्स में एक लड़का काम कर रहा था, सईद यासिर, तो वो कश्मीर टाइम्स से अब शायरबीन की तरफ आ गया है, तो वो अब सिटी से रिपोर्टिंग कर रहा है हमारे लिए। तो बेसिकली यही है कि सब लड़के जो है ना, वो जिधर जाएं एक ही तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा कुछ बच्चों को अगर इंटरेस्ट उर्दू जर्नलिज्म है तो उनको उर्दू की तरफ भी आना चाहिए। तो अभी जी जी पिछले दिनों से एक पिछले 4-5 माह से एक लड़की भी आ रही है मेरे पास, आ रही थी, वो भी इंग्लिश जर्नलिज्म से आ रही थी। लेकिन अब वो, उसको मैंने कहा कि क्योंकि आप सब जो है इंग्लिश जर्नलिज्म की तरफ जा रहे हो, वहाँ पे स्पेस कम है, उर्दू जर्नलिज्म में अभी भी स्पेस है, तो आप जी कुछ, तो जी उसने टर्न किया उर्दू जर्नलिज्म की तरफ, तो हम कुछ हमारे साथ काम कर रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से जो क्वालिफाइड बच्चे हैं उनको अपने साथ रखते हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जी जी मसूद साहब, हम एक मसूद छोटा साहब, हम सा एक छोटा कमर्शियल सा ब्रेक कमर्शियल लेंगे, ब्रेक नाजी आप लेंगे, कहीं ना नाजी आप जाइए, कहीं हम ना जाइए, हम इसी इसी बातचीत बातचीत को को बरकरार बरकरार रखेंगे, रखेंगे, एक एक छोटे से छोटे से कमर्शियल ब्रेक कमर्शियल के बाद ब्रेक के आपसे बाद दोबारा आपसे मुलाकात दोबारा होगी। मुलाकात हो। शुक्रिया नाजरीन, शुक्रिया और शुक्रिया नाजरीन, और मकसूद शुक्रिया साहब मकसूद आपका साहब भी हमारे आपका साथ भी जुड़े हमारे साथ रहने का। जुड़े रहने का। हम बात कर हम रहे बात थे कर रहे इंग्लिश थे इंग्लिश जर्नलिज्म और और उर्दू उर्दू जर्नलिज्म जर्नलिज्म की की बात बात कर कर रहे रहे हैं, हैं, और और जब जब आप आप कह कह रहे रहे हैं हैं कि कि शहरबीन शहरबीन के के हवाले हवाले से, से बच्चे बच्चे या या नौजवान नौजवान आजकल आजकल उर्दू उर्दू अदब से अदब से ज्यादा ज्यादा मुखातिब मुखातिब नहीं है, नहीं ज्यादा है, अच्छी ज्यादा उर्दू नहीं अच्छी बोल उर्दू नहीं पाते। बोल मैं पाते, उनमें से एक मैं हूँ। उनमें से एक हूँ। बट क्या नहीं, हमें आपका ट्रेंड्स काफी चेंज अच्छा करने है, की जरूरत करने है, की जरूरत क्योंकि है, क्योंकि लिसनर पे भी लिसनर पे डिपेंड भी करता है, डिपेंड करता है, क्योंकि आजकल क्योंकि अगर आजकल हम अगर बहुत हम भारी बहुत और भारी बहुत और बहुत साफ शफाफ साफ उर्दू शफाफ उर्दू उर्दू इस्तेमाल उर्दू करेंगे तो इस्तेमाल शायद करेंगे लोग तो शायद सुनेंगे लोग भी नहीं, सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि स्कूल में, स्कूल कॉलेज में, में, कॉलेज में, रोजमर्रा की रोजमर्रा जिंदगी की में भी जिंदगी लोगों में भी की लोगों की जबान जबान इम्प्योर हो गई इम्प्योर है, हो अगर गई मैं है, अगर मैं कहूँ तो साफ नहीं रही, साफ तो नहीं रही, तो क्या क्या हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी एनकरेज को किया जा एनकरेज किया सकता जा है, सकता है, या कोई या और कोई कोर्सेज और कोर्सेज स्पेसिफिकली उर्दू स्पेसिफिकली को उर्दू बेहतर को पढ़ने के बेहतर लिए हम पढ़ने के लोग लिए उनको हम लोग रेकमेंड उनको कर सकते रेकमेंड हैं? कर सकते हैं? नहीं, अभी आप देखिए, अभी तो हम जो मुख्तलिफ हमारे रिपोर्टर्स हैं सब तो उर्दू बोलते नहीं हैं, कुछ तो ऐसे भी बच्चे हैं जो ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, यार इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन हिंदी हिंदुस्तानी ज़बान इस्तेमाल करके
कम से कम अपना मैसेज तो वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो जी बेसिकली जी बेसिकली आप जर्नलिज्म भी, आप ब्रॉडकास्टिंग भी वही रही है कि एनी हो मैसेज जो है वो कन्वे होना चाहिए, मैसेज कन्वे होना चाहिए, मैसेज जो है आपके टारगेट तक पहुंचना चाहिए। तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज में भी लोग अपनी जो है मैसेज जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो लेकिन जो सब बच्चे पूरे, अब मैं कल ही मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी से फ़ोन आया था, तो डिस्टेंस एजुकेशन से वो उर्दू जर्नलिज्म पे आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ से उर्दू जर्नलिज्म बच्चों को सिखा रहे हैं। वो मुझे के बता रहे थे कि बहुत सारे जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वो अब हमारे पास आ रहे हैं और हम उनको उर्दू जर्नलिज्म की तरफ मायल कर रहे हैं। जी, जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी क्योंकि बात हमें है, क्योंकि अपने हमें रूट्स अपने नहीं भूलने रूट्स चाहिए, नहीं अपनी भूलने जड़ें चाहिए, नहीं अभी भूलनी जड़ें नहीं चाहिए। भूलनी चाहिए। और उर्दू और अदब उर्दू या अदब कश्मीरी या की बात कश्मीरी की बात करें करें या या जम्मू में जम्मू अगर बात में करते अगर हो, बात करते हो, जोगरी है, तो जोगरी है, उनको अपनी उनको जबान, अपनी जबान, मातृभाषा या मातृभाषा मदर या टंग मदर या टंग मादरी या जबान, मादरी जो भी जबान बोला जो जाए, भी बोला जाए, उसको भूलना नहीं भूलना चाहिए। नहीं सो उस चाहिए। पे सो काम उस पे करके काम प्रमोट करके करना प्रमोट चाहिए। करना चाहिए। वैसे ही मुझे वैसे ही याद मुझे पड़ता है याद कि करता आप है कि भी कुछ आप भी 30 मिनट का कुछ डेली मिनट का प्रोग्राम डेली करते प्रोग्राम हैं करते हैं ऑन एयर ऑन एयर पहाड़ी पहाड़ी इलाके के लोगों इलाके को के लोगों लेके, को लेके, उनके उनके मसले मसाइल मसले के बारे मसाइल में, के बारे वो में, क्या है, वो वो क्या क्या है, वो कॉन्सेप्ट है, क्या और कॉन्सेप्ट है, उसमें आपका उसमें इंटरेस्ट आपका कैसे इंटरेस्ट बना। कैसे बना। नहीं, बेसिकली हमारे जम्मू कश्मीर में पहाड़ी एक जुबान है, ये भी एक ट्राइब है, ट्राइब है। अब ट्राइब का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन जैसे यहाँ हमारे गुजर बकरवाल हैं, बलती हैं, शीना है, जैसे वो पहाड़ों पे रहते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, तो ऐसे पहाड़ी लोग भी उनके साथ ही बसते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। तो ये एक अलग जबान है। तो ऑल इंडिया रेडियो से लगभग 80s से ये एक हाफ एन आवर प्रोग्राम चल रहा है, 80s से, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो जो है हर जबान कल्चर को फ़रोग देता है, चाहे वो गोजरी जबान हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे बलती हो, चाहे शीना हो। हम ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से 6 ऐसी लोकल लैंग्वेज में प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो उसमें एक पहाड़ी भी है। जी तो 98-9 से जब मैंने 95 में ज्वाइन किया ऑल इंडिया रेडियो, फिर क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ, मैं पहाड़ी इलाके का रहने वाला, उड़ी से हूँ, तो नेचुरली पहाड़ी मेरी जबान है, पहाड़ी बोलता हूँ। तो फिर उस वक्त के जो डायरेक्टर थे अशरफ साहिल साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, आप बेहतर कर सकते हैं इस जबान की खिदमत, इस जबान को फ़रोग देने में दूसरों से। तो तब से मैं ये हाफ एन आवर प्रोग्राम जो है प्रोड्यूस करता हूँ, डेली प्रोड्यूस करता हूँ ये हाफ एन आवर प्रोग्राम। इसमें ज़्यादातर यही हमारी कोशिश होती है कि पहाड़ी कल्चर, पहाड़ी लैंग्वेज, पहाड़ी अदब, पहाड़ी विरसा जो है उसको फ़रोग दें, उसकी पहचान बनाए। तो ये प्रोग्राम जो है ये श्रीनगर और जम्मू, ऑल इंडिया रेडियो जम्मू एट ए टाइम ब्रॉडकास्ट करता है ना, जम्मू स्टेशन भी मेरा प्रोग्राम ही ब्रॉडकास्ट करता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम दूर दराज इलाकों में जाएं, चाहे वो करना है, चाहे वो केरन है, चाहे उड़ी है, चाहे गुरेज है, उन इलाकों के लोगों को इस प्रोग्राम में नुमाइंदगी दी जाती है, वो आते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोग्राम में, चाहे चाहे उस लैंग्वेज, उस इलाके के लोग जो हैं वो चाहे शायर हैं, चाहे वो कोई अदीब है, अफसाना लिखते हैं, तो वो आके उनको भी एक मौका मिलता है अपनी लैंग्वेज में शायरी करने का, और ऑल इंडिया रेडियो से वो ब्रॉडकास्ट कर पाते हैं। जी माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। हमने ये भी हमने ये सुना भी था, सुना था आपको एक कि आपको स्टेट एक अवार्ड स्टेट मिला अवार्ड था, मिला था, आउटस्टैंडिंग मीडिया आउटस्टैंडिंग पर्सन मीडिया का। पर्सन का। तो माशाल्लाह तो से माशाल्लाह आप, से जाहिर सी आप बात है कि जाहिर सी वो बात है कि वो ऑब्जर्व ऑब्जर्व लेते थे, लेते तो थे, एक्सपीरियंस को तो जर्नी एक्सपीरियंस को कैसी जर्नी रही, कैसी रही, कि आपने तो क्या आपने क्या एक्स्ट्रा किया, एक्स्ट्रा अगर किया, आप अगर बच्चों आप को आज के बच्चों को नौजवानों आज को के नौजवानों को इंस्पिरेशन के तौर इंस्पिरेशन पर बताना चाहें बताना चाहें कि मीडिया, मीडिया आजकल तो फिर नया आजकल तो फिर नया डेफिनेशन है, मोबाइल डेफिनेशन है, उठाया, मोबाइल फोटो उठाया, खींची, फोटो सेंड खींची, किया, और आप सेंड जर्नलिस्ट किया, और बन आप गए। जर्नलिस्ट बन गए। मगर जहां से मगर आप जहां से आते आप हैं, जहां आते से हैं, आप इस जहां से आप इस पोजीशन पे पहुंचे पोजीशन पे हैं, पहुंचे वो हैं, जर्नी वो जिस पे जर्नी आपको वो जिस पे अवार्ड आपको मिला, हम अवार्ड उसके मिला, बारे हम में उसके जानना बारे में जानना चाहेंगे। चाहेंगे। मैं पहले शुक्र करता हूँ अल्लाह ताला का, और उसके बाद अपने पेरेंट्स का, अपनी वालदा का, जो हर वक्त मुझे दवा करती रहती हैं, दवाएं देती है, तो उनकी दवाओं से
मैं तो यानी उतनी जबान रखता हूँ, मैं शुक्र करूँ अल्लाह का कि मैं उड़ी का पहला बंदा हूँ जिन्होंने मास कम्युनिकेशन किया, फिर ऑल इंडिया रेडियो में गया, और मैं पहला बंदा हूँ जिनको स्टेट अवार्ड मिला उड़ी से, और इवन ऑल इंडिया रेडियो में भी मैं फर्स्ट आदमी हूँ जिसको पहला स्टेट, मेरे बाद बाद में फिर कुछ लोगों को मिला, लेकिन पहले सबसे पहले मुझे ही ऑल इंडिया रेडियो में भी अवार्ड में स्टेट अवार्ड मिला। तो बेसिकली कंट्रीब्यूशन यही रहा मेरा कि मैंने जो मैं दो चार प्रोग्राम करता हूँ, जैसे ये हाफ एन आवर प्रोग्राम करता हूँ, शेरविन करता हूँ, पहाड़ी प्रोग्राम करता हूँ, मॉर्निंग में हेडलाइंस करता हूँ, और उसके बाद मैं जितने भी ओबीज, हम कहते हैं आउटसाइड ब्रॉडकास्टिंग ओबीज, तो जितने भी ओबीज हैं वो मैक्सिमम मैं करता हूँ, चाहे दिल्ली से प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट आ जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर आ जाए, तो उसकी कवरेज रिपोर्टिंग मुझे करनी पड़ती है। और उसके अलावा मैं जम्मू कश्मीर का कोई दूर दराज इलाका, मैं सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, टाउन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो आप रियासी का गूल गुलाबगढ़ लें, किश्तवाड़ का मड़वा वडवन लें, कपवाड़ा का कैरन गुरेज, मैं ऐसे हर इलाके में गया हूँ, और मैंने वहाँ पे लोगों के मसाइल रिकॉर्ड किए, मैंने वहाँ पे लोगों से लोगों के कल्चर के बारे में, उनके गीत रिकॉर्ड किए, यानी मैं ये मुझे यानी ये शरफ हासिल हुआ है कि गुरेज में एक जुबान बोलते हैं, शीना बोलते हैं, थोड़ी सी आबादी है, मुझे लगता है 30-35 हज़ार की आबादी है, शीना शीना जबान बोलते हैं। तो मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ एक नई जबान देखी, मैंने उनको रिकॉर्ड किया, उनका म्यूज़िक रिकॉर्ड किया, एक अलग म्यूज़िक है, एक अलग उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको वहाँ मैंने रिकॉर्ड किया, फिर मैंने ऑल इंडिया रेडियो में ब्रॉडकास्ट किया। एनी हो, फिर मैंने क्योंकि हम तो यहाँ से कोई डिसीजन खुद ले नहीं सकते हैं, ये दिल्ली से डिसीजन लिए जाते हैं, मैंने दिल्ली में डायरेक्टर जनरल जो हमारे थे उनके साथ बात की, उनसे यानी उनको एक रिकमेंडेशन भेजी कि गुरेज है, एक फार फ्लंग एरिया है, बॉर्डर पे है, वो एक जबान बोलते हैं, तो मैं उनको भी हम ऑल इंडिया रेडियो से टाइम दे, तो फिर यानी एनी हो उनकी वो शीना जबान जो है वो भी अप्रूव हो गई, और हम ऑल इंडिया रेडियो से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने तब डायरेक्टर जनरल जो थे उन्होंने मुझे तब बताया था कि आप डेली हाफ एन आवर ब्रॉडकास्ट करें, लेकिन क्योंकि तब हमारे पास मटेरियल नहीं था, मैंने कहा नहीं, हाफ एन आवर डेली ब्रॉडकास्ट करना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकूँ, मैं वीकली करूँगा। तो एनी हो फिर उन्होंने वीकली के लिए मुझे परमिशन दी, तो आज वो जबान भी ऑल इंडिया रेडियो से नशर होती है, और ग्रेस से लोग आते हैं और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस तरह के काम किए, और शुक्र अल्लाह का कि मुझे फिर तो राष्ट्रीय ये सरकार ने फीलिंग भी। कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था कि आप ऑन रोड जा रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, उनसे मुखातिब हो रहे हैं, उनकी जुबानें देख रहे हैं, तहजीब देख रहे हैं, उनको कैसा लगता था कि ऑल इंडिया रेडियो का बंदा आ गया, रेडियो का बंदा, मतलब एक कॉन्सेप्ट था कि ये रेडियो में आवाज कैसे आती है, इसके अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है जो बातें कर रहा है, और आप खुद जाके बात कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं। बिनेश आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं कैरन जाता हूँ या गुरेज जाता हूँ तो वहाँ लोग ऐसे एमड पड़ते हैं जैसे कोई उनका नेता आया है, कोई उनका अपना एमएलए आया है, ऐसे लोग वहाँ यानी सड़कों पे आ जाते हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि हम देखें कि रेडियो से लोग आए हुए हैं, रेडियो से लोग आए जी हुए हैं, जी और ज़बरदस्त वेलकम करते हैं, यानी वेलकम करते हैं। मैं बहुत यानी जगहों पे, मुझे अभी रिसेंटली एक सईद बुशारत बुखारी साहब कह रहे थे कि आप सियासत तो ज्वाइन नहीं कर रहे हो, मैंने कहा क्यों, कहा मैंने आपका गूल गुलाबगढ़, उनने मेरा एक फोटो देखा, तो वहाँ जी लोग जी यानी ऐसे यानी वेलकम कर रहे थे जैसे उनका कोई एमएलए आया हुआ था, उनका कोई लीडर आया था, तो मैंने कहा नहीं, ये जी लोगों का जी प्यार है, हम कोशिश करते हैं उनके मसाइल उबारने की, और लोगों को एक तवक्का है ऑल इंडिया रेडियो से, लोगों को एक जी तवक्का है जी हमसे, तो हम कोशिश जी करते हैं उनके इसी ऊपर। बात
इसी बात पे मेरा सवाल दूसरा आपसे यही रहेगा। आपने पहले भी कहा कि जो हमारा शहर बीच प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट था, गैप ब्रिज करने की बात हो रही थी गवर्नमेंट और आम इंसानों पे, तो जब आप फार फ्लंग एरियाज में जाते हैं, दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, लोलाब जा रहे हैं, गुरेज जा रहे हैं, पुरी में है या गुलाबगढ़ जा रहे हैं, तो वहाँ के लोगों का जो रिस्पॉन्स आता है क्या लगता है कि आप उनकी आवाज किस हद तक पहुंचा पाएंगे, और आपको भी क्या लगता है कि आप प्रोग्राम शायर करते हैं तो सरकार का रिस्पॉन्स किस हद तक पॉजिटिव रहता है, सोसाइटी का जो गैप है वो ब्रिज हो पाता है या ख्यालों में निकल जाता है? बेनिश, मैं आपको ये बताऊंगा कि आज डिजिटल डिजिटल का डिजिटल ज़माना है, यानी सोशल मीडिया इतना यानी मार्केट में आ चुका है, और उसके बाद टीवी चैनल्स हैं। आप यकीन नहीं करोगे, आज भी श्रीनगर में हमारे गेट पे हर दिन लोगों के डेलीगेशन आते हैं। आप गूल गुलाबगढ़ की बात छोड़ दो, वो तो दूर दराज इलाका, उनके पास रेडियो सुनने का एक मीडियम है, तो वो तो, लेकिन हमारे आज भी हमारे गेट पे दिन में 10 डेलीगेशन आते हैं दूर दराज गाँव से, शहर से। तो लोग अपने मसाइल लेके लोगों को एक यकीन है कि अगर हमारी बात शहरवीन में यानी ये ब्रॉडकास्ट होगी तो हमारा मसला हल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे मसले जो हैं लोगों के दरअसल हल भी होते हैं। इवन सरकार भी है वो यानी वो भी सीरियस लेती है, क्योंकि हमने एक क्रेडिबिलिटी अपनी कायम करने की कोशिश की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमेशा बैलेंस स्टोरी करें, दोनों पार्टीज का व्यू पॉइंट ले लें, सरकार का भी ले लें, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये क्रेडिबिलिटी जो है ये मेंटेन रहे। तो लोगों को एक तवक्का है कि शायद हम शहरवीन में बात करें। तो मैं अक्सर लोगों को फोन पे भी कहता हूँ, और जब डेलीगेशन भी आते हैं मैं कह रहा हूँ भाई हमारा काम है आपका इशू हाईलाइट करना, हाईलाइट करना, हमारा इतना ही है, हम तक इतना ही है, वी कैन हाईलाइट इट। हम कोई ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, कोई आपका मसला सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं नहीं, आप बात बोलें ये बात हल हो जाएगी हमारी। तो लोगों का यकीन है, लोग इसलिए लोगों को एक भरोसा बैठा हुआ है। जी, आपके लिए सवाल भी आया है हमारे में से। ये पूछ रहे हैं कि मैं लास्ट कब पढ़ के बता रही हूँ, टू रिवाइव रेडियो टाइम में, जिससे आपने कहा कि आम आवाम में और सरकार में तालमेल बनाने का या गैप ब्रिज करने के लिए रेडियो था, मगर ये वर्ड था जो है चुपता है, रेडियो है क्यों नहीं, रेडियो आज आहिस्ता आहिस्ता कम क्यों हो गया लोगों में इसका इंटरेस्ट? बिनेश बिनेश, मैं आपको ये बताऊंगा कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, यानी आज आप अपने मोबाइल पे सब कुछ, यानी आप टीवी चैनल भी देख रहे हो, सोशल मीडिया भी मॉनिटर कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि इस ज़माने में भी अगर रेडियो कहीं भी थोड़ा सुना जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ वो कमाल है। इस दुनिया आज की इस पीरियड में रेडियो अगर कहीं पे हमारा प्रोग्राम सुना जाता है, कहीं पे लोग इसके साथ जुड़े हुए, मैं कह रहा हूँ ये कमाल है। क्योंकि इस दौर में अब भी यानी लोगों के पास बहुत सारे ज़राए हैं, यानी ये इनका कहना कि एक ज़माने में था, यानी तब तो रेडियो के बगैर और कोई हमारे पास कोई मीडियम था नहीं, लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे मीडियम हैं। लेकिन इस पीरियड में भी आप यकीन करेंगे कि शहर से भी अभी लोग सुनते हैं। अभी मुझे रिसेंटली एक मैंने एक फार्मर मिनिस्टर फोन कर रहा था, कह रहा था कि मैं अपने गांव में गया हुआ था, मैं 3 दिन से टूर पे था, तो कहा जी मैंने तीसरे दिन अपना स्टेटमेंट शहरवीन को भेजा कि मैं अपने गांव में मैं इलाके में हूँ। तो कहा मुझे गांव वाले ने तीसरे दिन फोन किसी ने फोन किया, कहा जी ओ आप हमारे गांव में आए हो। मैंने कहा भाई मैं 3 दिन से हो। कहा नहीं आज शहरवीन में बोला। तो उन्होंने कहा उसने मुझे बताया कि जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक मेरा टूर जो है कहीं रजिस्टर नहीं होगा। तो लेकिन आज भी सुनते हैं लोग, यानी आज भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं।
जी जी जहाँ सोशल जहाँ मीडिया सोशल नहीं है मीडिया वहाँ नहीं है पे वहाँ ऑल पे इंडिया रेडियो ऑल है, इंडिया रेडियो है, यहाँ पे रेडियो यहाँ चल पे रहा रेडियो है, चल रहा है, लोगों की लोगों आवाज, की लोगों की आवाज, लोगों उम्मीदें, की उम्मीदें, ख्वाहिश या ख्वाहिश या एंटरटेनमेंट का जरिया एंटरटेनमेंट का अगर हम जरिया कहें। अगर हम कहें। एक जमाने में एक जैसे मैंने जमाने में पहले जैसे भी मैंने कहा पहले भी कि कहा कि ऑल इंडिया रेडियो ऑल का इंडिया मतलब रेडियो होता का था मतलब होता खबरें था सुननी है खबरें सुननी है, या या एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट गाने के के लिए प्रोग्राम गाने हुआ के करते प्रोग्राम थे, हुआ करते थे, या या क्रिकेट मैचेस के क्रिकेट टाइम पे मैचेस के टाइम कमेंट्री। पे कमेंट्री। शहर भी शहर एक भी एक फास्ट ब्रेकिंग फास्ट ब्रेकिंग रहा बीच में रहा जर्नी। बीच में जर्नी। तो क्या तो डिफरेंस क्या था डिफरेंस जब था आप कहते हैं कि जब आप आप भी कहते हैं कि मसले आप भी मसाइल मसले की मसाइल हाईलाइट की कर रहे हाईलाइट हैं कर रहे हैं, और जो और बाकी के जो प्रोग्राम बाकी थे के वो भी प्रोग्राम थे मसले वो भी मसाइल मसले की मसाइल फॉरवर्ड कर की रहे हैं, फॉरवर्ड कर तो रहे क्या हैं, डिफरेंस तो था क्या शहर डिफरेंस बीन था में शहर बीन में, और न्यूज़, और नॉर्मल न्यूज़ में? नॉर्मल आई वुड न्यूज़ से में? आई वुड से नहीं, बेसिकली न्यूज़ जो है उसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। वो तो हमारी न्यूज़ जो है ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ है, वो तो सपोज जितने भी आपके ऑफिशियल प्रेस नोट आ रहे हैं, आपके मुख्तलिफ पार्टी से प्रेस नोट आ रहे हैं, या जो न्यूज़ है दे कैरी ऑनली न्यूज़, कैरी न्यूज़। जो हमारे अदर प्रोग्राम्स है, अदर प्रोग्राम्स हमारे जो हैं वो कल्चर पे हैं, जो हमारी म्यूज़िक है, या कुछ हमारे ग्रीवेंस प्रोग्राम भी है, लेकिन वो हम यानी हम कश्मीरी में एक प्रोग्राम करते थे रायत राय, वो जाते थे किसी जगह पे, लोगों को मसाइल रिकॉर्ड करते थे, ला के ब्रॉडकास्ट करते थे। लेकिन शहरबीन जो है ये एक डिफरेंट प्रोग्राम है, इसका मैं कहूँगा इसका कोई मयार भी नहीं है। अरे मयार का ये ऊपर किसी सतह पे भी जाता है। यानी मैंने प्राइम मिनिस्टर आईके गुजराल का भी इंटरव्यू किया इस प्रोग्राम में, लेकिन नीचे हम सरपंच का भी का यानी उसकी भी बाइट चलाते हैं, यानी जी उसकी भी बाइट जी चलाते हैं। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हर तबके को इसके साथ जोड़ के रखें। इसमें पॉलिटिक्स भी हम करते हैं, तो जी जी ये बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट को भी इन्वॉल्व करते हैं, तो कभी छोटे अभी गुरेज में पानी का मसला है तो हम एई से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये लोकल गांव का मसला है, वहां पे एई को मालूम होगा कि इशू क्या है, वो इस चीफ इंजीनियर से बेहतर बता सकता है। तो हम कभी वैसे भी करते हैं और कभी चीफ सेक्रेटरी से भी बात कर लेते हैं। तो इस तरह का हम यानी इस प्रोग्राम के साथ अफसरों जी को भी जोड़ते हैं, ऐसे लोगों को भी जोड़ते हैं, तो यही एक जी जब आप डिफरेंस है। वेरियस जब आप लेवल्स वेरियस की या लेवल्स की वेरियस या ग्राफ्स की वेरियस बात ग्राफ्स कर की रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुझे याद पड़ता मुझे है याद मैंने पड़ता कहीं है मैंने पढ़ा कहीं था कि पढ़ा आपने था कि शायद आगरा समिट भी आगरा समिट भी कवर की कवर की थी, तो हाँ वो यस यस एक्सपीरियंस वो कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि कैसा वो था? क्योंकि वो हिंदुस्तान के हिंदुस्तान नक्शे पे के काफी नक्शे पे काफी डिफरेंट टाइम था, डिफरेंट टाइम और था, ऑल इंडिया और रेडियो ऑल पे इंडिया काफी रेडियो दब पे काफी हाउ दब वाज हाउ वाज दैट दैट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस? बेसिकली ये 2001 की बात है, जब आगरा समिट हुई थी, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज जनरल मुशर्रफ और वज़ीर आज़म हिंद अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी जो मीट हुई थी, तो तब शहरबीन हमारा जो है ये इसने काफ़ी अच्छा पिकअप किया हुआ था, तो ये पूरे J&K में सुना जाता था उस वक़्त। तो उस वक़्त जो हमारे ऑल इंडिया रेडियो के सरबराह जो थे उन्होंने सोचा, और जो टॉक भी थी वो भी कश्मीर के हवाले ही से थी, तो कहा कि इसलिए इसको कश्मीर में ज़्यादा कवरेज मिलनी चाहिए। तब हमारे थ्रू आउट ऑल इंडिया दिल्ली से भी हमारी अथॉरिटीज़ ने कहा कि जो ये समिट हो रही है इसको अगर कश्मीर में ज़्यादा कवरेज मिले तो अच्छी बात है, एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। तो जी। मैं थैंक्स करता हूँ शुक्र अल्लाह का कि तब यहाँ जो हमारी मैं तब नया नया लगा हुआ था, कोई 4-5 साल का एक्सपीरियंस था, तो तब यहाँ के जो हमारे डायरेक्टर थे, जो बाकी ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया कि नहीं मकसूद विल कवर इट। तो और ये ऑल इंडिया रेडियो में पहली बार हुआ है कि श्रीनगर से श्रीनगर के लिए कवरेज के लिए आउटसाइड स्टेट जाना किसी यानी जाना जो, तो तब इनने मुझे नॉमिनेट किया, और मुझे याद है अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे सैयद शुजात बुखारी साहब को, मैं शुजात बुखारी साहब थे, हम कश्मीर से 3 जर्नलिस्ट थे जिन्होंने आगरा समिट कवर किया था, तो मैं थे, वो थे और करामत कयूम थे बारामूला से, वो रोज़नामा औकाब के लिए काम करते थे, तो हम तीन गए थे।
तो ये तो एक जिंदगी का एक तारीखी एक मौका सुनहरा था, और सुनहरे हाँ तारीख सुनहरा बात, सुनहरे तो हमने इसको तारीख कवर किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं लाइव रिपोर्टिंग तब कर रहा था कंटिन्यू, यानी चाहे मैं आगरा में गया, चाहे दिल्ली में गया, चाहे इवन उस वक्त पाकिस्तान एम्बेसी पे भी हमको लिया गया, तो हम सब मीडिया को जी पाकिस्तान एम्बेसी जी पे ले गया, वहाँ मुशरफ साहब के साथ हमने चाय भी पी, वाजपेयी साहब के साथ अशोका होटल में वहाँ बैठे, वहाँ चाय पी, तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी माशाल्लाह। जी हाल माशाल्लाह। ही में आपको हाल ही एक में और आपको एक अवार्ड और से भी अवार्ड नवाजा से भी गया था, नवाजा किया नेशनल था, ऑल नेशनल इंडिया ऑल अवार्ड्स इंडिया अवार्ड्स 2021, 2021, जो कि जो ऑल कि इंडिया ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सेल्फ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सेल्फ मुंबई मैनेजमेंट में हुआ, मुंबई में हुआ, मुंबई की तरफ मुंबई से की था तरफ शायद। से था शायद। इट्स अ प्रीमियर गवर्नमेंट प्रीमियर गवर्नमेंट रिकग्निशन इंस्टीट्यूट ऑफ रिकग्निशन मुंबई। इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई, तो ये क्या ये क्या अवार्ड था, अवार्ड इसमें था, और कौन इसमें लोग और थे, कौन और लोग जब थे, आपको और ये जब नाज आपको से ये नवाजा नाज से गया, नवाजा गया, तो तो एक्सपीरियंस कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैसा रहा? आप यकीन करेंगे कि मैं आज तक किस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जानता हूँ, यानी मुझे नहीं पता कि ये कौन ऑर्गेनाइजेशन है, कि मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे एक फ़ोन आ गया कि आपको एक अवार्ड है, आप गवर्नर साहब को ये देना है अवार्ड, तो आप राजभवन आएंगे, राजभवन आएंगे। एनी हो, उस दौरान ये 15 अगस्त का टाइम था, 15 अगस्त के टाइम के दौरान, तो फिर नेक्स्ट डे दूसरी कॉल आ गई कि नहीं, अब 15 अगस्त के दिन गवर्नर साहब अवेलेबल नहीं है, तो ये अवार्ड नहीं हो पाएगा, तो अब हम आपको नई डेट बताएंगे। तो एनी हो, फिर ये एसपी कॉलेज में गवर्नर साहब ने फिर अपने मशीर फारूक खान साहब को भेजा, तो उन्होंने ये अवार्ड दिया। तो मैं तो यही कहूँगा कि शुक्र अल्लाह का कि हमारे काम को कहीं पे सराहा जाता है, कहीं पे हमारे काम को याद किया जाता है, तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छी बात जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। है। हमारा प्रोग्राम हमारा इकराम की प्रोग्राम खतरे इकराम थे, की ऑडियंस खतरे थे, के कुछ ऑडियंस के सवाल कुछ थे सवाल जो मैंने थे जो अपने मैंने साथ ही अपने आपको साथ पूछ ही लिए। आपको पूछ लिए। एक सवाल एक मुझे सवाल काफी मुझे इंटरेस्टिंग काफी लगा, इंटरेस्टिंग लगा। मैं ट्रक्स में आपको ट्रक्स में पूछना आपको पूछना चाहूंगी, और ये चाहूंगी, आपका और ये आपका लास्ट मैसेज भी लास्ट रहेगा मैसेज जो भी लोग रहेगा हमें जो सुन लोग रहे हमें हैं। सुन रहे हैं। इनने कहा है इनने कि कहा है कि एमएलए एमएलए आर्टिस्ट से बड़ा आर्टिस्ट नहीं से होता, बड़ा आप नहीं एक होता, आर्टिस्ट आप हैं, एक एक आर्टिस्ट हैं, कलाकार एक हैं, कलाकार परफॉर्मर हैं, हैं, परफॉर्मर हैं, आर्टिस्ट सबसे आर्टिस्ट बढ़कर सबसे होता है। बढ़कर होता है, तो उसके हवाले उसके से जो हवाले भी से जो बच्चे, भी जो भी बच्चे, जो भी नौजवान, नौजवान, ये भी ये भी आर्ट है कि आर्ट आप है अपनी कि बात आप अपनी एक बात खलुस के एक साथ, खलुस एक के तरीके साथ, के एक साथ तरीके के साथ लोगों को लोगों सुना को सकते सुना हैं, पहुंचा सकते हैं, सकते पहुंचा हैं, सकते हैं, चाहे वो आप लिख चाहे वो के आप लिख करें के या करें सिर्फ या सिर्फ आवाज के जरिए आवाज के करें या जरिए सोशल करें या मीडिया के सोशल साथ मीडिया के साथ करें, करें। तो क्या तो क्या लगता है लगता है इस आर्ट इस फॉर्म आर्ट को फॉर्म को एक्सेल करने में, एक्सेल मास्टर करने में, करने में, मास्टर करने में, और अगर आप और कोई अगर आप खसूसी कोई मैसेज खसूसी देना चाहें मैसेज हमारी देना चाहें ऑडियंस हमारी को? ऑडियंस को? तो मैं यही कहूँगा कि बेसिकली ये मीडिया जो है, मीडिया में इंसान को बर्दाश्त होनी चाहिए, यानी इसमें आपको फेस काफ़ी करना पड़ता है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो हिम्मत जो है वो जल्दी नहीं हारनी चाहिए। मैं खासकर अपने जो यंग मीडिया में जो लोग आ रहे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप छोटे छोटे टारगेट फिक्स करो, आप एट ए टाइम ये मत सोचो कि मैं बीबीसी के साथ काम, बीबीसी का मैं रिपोर्टर बनूंगा, एडिटर बनूंगा। आप छोटे छोटे टारगेट फिक्स करो, आप अगले 5 साल के लिए एक छोटा टारगेट फिक्स करो कि मैं इस अखबार का एडिटर बनना चाहता हूँ, इस अखबार का मैं एक रिपोर्टर बनना चाहता हूँ। जब आप छोटे छोटे टारगेट फिक्स करेंगे तो ज़रूर आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। एक एट ए टाइम बड़ी छलांग लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये मीडिया जी है, मीडिया जी में स्टेप बाय स्टेप चलिए, आप छोटे टारगेट फिक्स करिए और सब्र से काम लीजिए, जितना आप सब्र से काम लीजिए आपका आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे।
जी बहुत बहुत जी बहुत शुक्रिया बहुत आपका, शुक्रिया आपका ना कीमती वक्त ना हमारे कीमती को वक्त देने हमारे का को और देने अपनी का और अपनी एक्सपीरियंसेस के साथ साथ शेयर करने शेयर का, करने का। और और मुझे मुझे पूरा पूरा यकीन है यकीन कि है हमारे कि नाज़रीन जो हमारे आपको नाज़रीन सुन जो रहे आपको हैं, सुन देख रहे रहे हैं, हैं, देख रहे हैं, बहुत खुश हुए बहुत होंगे खुश हुए आपके होंगे साथ आपके टाइम साथ स्पेंड टाइम करके। स्पेंड करके। इंशाल्लाह कभी और इंशाल्लाह भी कभी दोबारा और आपको भी दावत दोबारा दी आपको जाएगी, दावत और दी जाएगी, दोबारा और ऑल इंडिया दोबारा रेडियो ऑल के इंडिया हवाले रेडियो से के हम हवाले और भी से हम और इन्फॉर्मेशन भी लेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, इंस्पायर इंस्पायर होने के लिए होने के लिए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट आर्टिस्ट और चाहते आर्टिस्ट हैं कि चाहते वो ऑल हैं इंडिया कि वो रेडियो ऑल के इंडिया साथ रेडियो या के मीडिया साथ के या साथ मीडिया के साथ एसोसिएट हो। एसोसिएट हो। नाज़रीन, ये थे हमारे मकसूद साहब और ये बता रहे थे अपनी जर्नी के बारे में जो ऑल इंडिया रेडियो के साथ इनने की। जाने से पहले इनने बहुत ही खूबसूरत बात जो हमारे साथ शेयर करी है, ये सिर्फ जर्नलिज्म के साथ नहीं है, किसी भी शोबे के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज जल्दबाजी में आपको हासिल नहीं हो सकती। ऊंचाइयां, बुलंदियां, तरक्कियां या सुकून कभी भी एकदम से ऐसे नहीं मिलता। आपको बहुत सब्र तहमुल के साथ काम करना पड़ता है, वन स्टेप एट अ टाइम, जैसे कि मकसूद अहमद साहब बता रहे थे कि हर चीज एक सीढ़ी से चढ़ती है, चाहे आपकी ख्वाहिशें आसमान तक पहुंचने की हैं या किसी बिल्डिंग के टॉप पे पहुंचने की है, सीढ़ी स्टेप एट अ टाइम। हर एक चीज का रास्ता है, हर एक चीज का एक तरीका है, वक्त है, वक्त देना बहुत जरूरी है और सब्र करना। अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, क्रिटिसिज्म रहता है, बहुत से लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि नहीं बस फेल हो गए तो बस इसके बाद दुनिया खत्म है, वैसा नहीं होता। बहुत सारे फेलियर्स से भी इंसान एक्सपीरियंसेस ले सकता है, सीख सकता है। एवरी फेलियर शुड बी अ लेसन वेल लर्न्ड। आपने दोबारा से सीखा कि मैंने क्या गलती की थी, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। दोबारा कोशिश करिए, जिंदगी चलाने का यही तरीका है। कोई भी करियर चॉइसेस हो आपकी, हो कोई भी फील्ड चूज करें, आप चूज करें, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका दिल चाहना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, ना कि लोगों का सुन सुना के कि नहीं कंपटीशन है, यहाँ पे पे ज्यादा है, यहाँ पे नाम ज्यादा है, यहाँ पे आराम ज्यादा है, वो नहीं। इट शुड इंटरेस्ट यू। ऐवान इरशाद का ये सिलसिला आज यहीं तक था। हमारे कमेंट्स के जरिए जैसे आप अपना प्यार हमेशा भेजते रहते हैं, वो सिलसिला आप हमेशा जारी रखिए। हमारे ट्विटर हैंडल, फेसबुक और वेबसाइट पे जाके हमारा प्रोग्राम आप लाइव देख सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। और अभी 9 बजे दोबारा जुड़िएगा आरएनए के बातों बातों में विद तलहा जहांगीर, जिसमें आज हमारे साथ शबनम कामिली साहिबा जुड़ेंगी, डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन, और एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात होगी फिर से, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। जो बच्चे किसी वजूहत से, किसी परेशानी के हालात की वजह से शिकार हो जाते हैं जुर्म का और जुराइम की लिस्ट में उनका नाम आ जाता है, उनको उनके हवाले से गुफ्तगू होगी कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम क्या है, और डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन अपनी राय रखेंगी। जरूर जुड़िएगा, थोड़ी सी देर है, 8 मिनट के बाद वापस आइएगा और अपना प्यार ऐसे ही शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, इल्तिमास से दुआ, बिनिश काजमी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Thank you.